फास्ट गति से सभी कनेक्ट होंगे, जल्दी फास्ट गति से कनेक्ट हुई है भाई, इस क्वेश्चन को आगे कराना है भाई, जल्दी कनेक्ट हुई है, वॉइस पहुंच पा रही है अब तक फास्ट। देखिए भाई इससे आगे क्वेश्चन को बढ़ाएं, हाँ भाई करें भाई स्टार्ट। देखिए, यू आर गिवन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, डी वी इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई, वट बाई कॉसी रीमान इक्वेशन बी कन्वर्ट इन टर्म ऑफ यू, बी कन्वर्ट इन टर्म ऑफ यू, तो डी वी इक्वल टू वैल्यू ऑफ डी वी इक्वल टू डी वी इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल वाई माइनस कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई इंटू डी एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल एक्स कहाँ गया भाई, ये रहा, ये भी माइनस में साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई डी वाई विच इज एग्जैक्ट। अभी हम चेक कर चुके थे भाई, थ्योरम में भी चेक किया था आपने, विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सॉल्यूशन ऑफ दिस इज डीवी, इंटीग्रेशन तो इसका डायरेक्टली हो जाएगा भाई, एम डी एक्स, फॉर्मूला याद हो तो आपको फिर से बता देते हैं, एन डी वाई कॉन्स्टेंट सी, ये तो होगा एम डी एक्स वाई को कॉन्स्टेंट मानकर, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये होगा फ्री फ्रॉम एक्स, फ्री फ्रॉम एक्स, ये आपका होगा फ्री फ्रॉम एक्स, ये जो होगा आपका, ये होगा आपका फ्री फ्रॉम एक्स, ये हो जाएगा आपका फ्री फ्रॉम एक्स, और इसको बाई को कॉन्स्टेंट मान के आपके क्या रहोगे, इंटीग्रेशन। देखिए लेफ्ट से क्लियर कर दें भाई, लेफ्ट से क्लियर कर रहे हैं भाई, देखिए तो डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस, डी वी इक्वल टू वैल्यू ऑफ दिस माइनस कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई, सॉरी माइनस कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई डी वाई, वाई को आपको मानना है यहाँ पे कॉन्स्टेंट, और ये फ्री करना है फ्रॉम एक्स से, फ्री फ्रॉम एक्स और कॉन्स्टेंट सी, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इक्वल टू बी, अब वाई एज ए कॉन्स्टेंट साइन हाइपरबोलिक बाई कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स माइनस आपका है साइन हाइपरबोलिक बाई एज ए कॉन्स्टेंट, फ्री फ्रॉम एक्स तो एक्स से फ्री होना चाहिए, तो एक्स से फ्री कोई पद ही नहीं आएगा, जीरो डी वाई प्लस का सी, एक्स वाला पद है आना ही नहीं चाहिए था, तो ये कैंसिल हो जाता है भाई आपका, तो ये यहाँ से बचेगा माइनस का साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई प्लस का सी वी इक्वल टू विच इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू, 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 विच इज हार्मोनिक
conjugate of u, which is harmonic conjugate of u, which is harmonic conjugate of u, which is हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू. ये जो है आपका क्या हो जाएगा भाई, हार्मोनिक कंजुगेट हो जाएगा. देखिए यू गिवन था, बी को आपको निकालना था, तो डी बी इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल वी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई, बट बाई कॉसी रीमान इक्वेशन डेल वी ओपन डेल एक्स इक्व टू माइनस डेल वी ओवर डेल वाई, सॉरी माइनस डेल यू ओवर डेल वाई एंड डेल वी अपॉन डेल वाई इक्व टू डेल यू ओवर डेल एक्स, विच इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू वहां से रख दे और डेल यू ओवर डेल एक्स की भी वैल्यू रख दे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको सॉल्यूशन करना जानते हो, वाई को तो कांस्टेंट मान के आप इंटीग्रेशन करोगे और सेकंड टर्म में आप फ्री फ्रॉम एक्स करोगे, तो वाई को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन कीजिए और फ्री फ्रॉम एक्स कीजिए. एक्स वाली टर्म आ रही है तो ये फ्री होनी चाहिए, तो जीरो हो जाएगा और यहाँ से आपका कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स, माइनस आपका बाहर आई और साइन आई वाई एज ए कॉन्स्टेंट, तो आपका एज ए कॉन्स्टेंट की तरह वर्क करेगा. तो वी इक्व टू माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस का सी, वी इक्व टू माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस का सी, वी इक्व टू माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस का सी, विच इज हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ यू. तो बी आपको यू गिवन था और बी आपने निकाल लिया भाई. तो देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़िए भाई, नेक्स्ट आगे बढ़िए. नेक्स्ट क्वेश्चन साथ के साथ लिखने का प्रयास कीजिए. हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3.8.5, राजस्थान यूनिवर्सिटी 9 and 10, प्रूव दैट द फंक्शन, प्रूव दैट द फंक्शन, प्रूव दैट द फंक्शन यू एक्स बाई इक्वल्स टू एक्स क्यू थ्री एक्स वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक, इज हार्मोनिक एंड ऑब्टेन, ऑब्टेन इट्स कंजुगेट वी एक्स वाई its conjugate vxy such that fz equals to uxy plus iota vxy is analytic. अब देखो आपको एबजड भी बनाना है और यू आपको दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, एबजड बनाना है. एबजड बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई, बी की आवश्यकता पड़ेगी. तो एबजड बराबर होता है आपका यू प्लस आयोटा बी. तो फर्स्ट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फर्स्ट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, आफ्टर दिस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एबजड. सॉल्यूशन ऑफ दिस, solution of this, here u x by equals to x cube minus 3x by square, partial differential with respect to x, del u over del x 3x square, derivative of x 1 3y square, equation number 2. Again partial differential
with respect to x. Again, del square u over del x square, derivative of this 6x, derivative of y equals to 0 with respect to x. Now, partial differentiation, partial differential of one, yeah, of u with respect to y, therefore del u upon del y. Kijiye bhai, derivative of this 0, derivative of y square 2y multiply by 3x, तो ये हो जाएगा आपका 6xy माइनस का 6xy. इक्वेशन नंबर 4, अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू y, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y. इन दिस केस डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू 1, तो दिस इक्वल टू माइनस का 6x. इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 माइनस का 6x, इक्वेशन नंबर 3 प्लस का 6x, एडिंग देम देन यू फाइंड दैट यू सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन. इन दिस केस यू इज हार्मोनिक फंक्शन, इन दिस केस यू इज हार्मोनिक फंक्शन. एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, देन 3 एंड 4 को जब आप ऐड करोगे ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और यू आपका क्या सेटिस्फाई करेगा लाप्लास इक्वेशन को. डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज यू सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन. दिस इंप्लाई यू इज हार्मोनिक. एडिंग 3 एंड 5th, एड ही तो करना है, किसी को ऐड कर लीजिए. चाहिए भाई, जीरो लाना है आपको, तो हम किसको ऐड करेंगे भाई, फिफ्थ को ऐड करेंगे. तो फिफ्थ को ऐड करेंगे थर्ड में, क्योंकि डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर को डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर से आपको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो यू आपका कैसा हो जाएगा भाई, हार्मोनिक फंक्शन. अब आपको क्या फाइंड करना है भाई, आपको फाइंड करना है बी. तो नाउ डी बी इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल बी ओवर डेल वाई इंटू डी वाई. अब आपसे कहा है कि एफ जेड ऐसे बनाना बी आपको सच दैट, कंजुगेट बी सच दैट एफ जेड इक्वल टू दिस इज एनालिटिक, एफ जेड आपका एनालिटिक हो जाए. व्हाट वाई कॉसी तो तुम्हारे नंबर कटेगा भाई. क्या नाम है आपका, और एक आध सरकार और लगा दे तो भाई क्या नाम है तेरा, नाम क्या है तेरा, पहले तो नाम बता. हाँ भाई सरकारी आदमी, ऐड तुझे भी पता है किसको ऐड करना है, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर में डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर को ऐड करना है, तो इक्वेशन नंबर थर्ड में फिफ्थ को ऐड करना है ना, तो समझदार हो आप, तभी तो आपने समझदारी का परिचय दिया, और समझदारी का परिचय देते हुए आपने बताया कि इक्वेशन थर्ड में फिफ्थ को ऐड करना है ना कि फोर्थ को. जब आप समझदार हो तो हमें समझाने की कोई आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए, इस वजह से हमने आपसे बोला कि ऐड कर दो आप किसी को भी. तो आप समझदार हो, किसको ऐड करना चाहते हो, इक्वेशन नंबर थर्ड को इक्वेशन नंबर फिफ्थ के साथ में. तो देखिए बाय कॉसी रीमान रीमान
equation dv equals to del v over del x convert to minus del u over del y and del v over del y convert to del u over del x into dy. Replace the value of del u over del y, value of del u over del y minus ka 6xy minus minus plus ka 6xy dx. Del u over del x 3x square minus ka 3y square, 3x square minus ka 3y square dy, which is exact differential equation, which is exact differential equation, which is exact differential equation, which is exact differential equation. Therefore, solution this dv by integration method and by exact method. Y equals to constant mdx, y को क्या मानना पड़ेगा आपको, कॉन्स्टेंट प्लस फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x. इस टर्म को आपको किससे फ्री करना होगा भाई, x से फ्री करना होगा और कॉन्स्टेंट c, फ्री फ्रॉम x. अबे रब करें अगर लिख लिया हो तो आगे बढ़ें, अगर आपने लिख लिया हो तो भाई आगे बढ़े. लेफ्ट हैंड साइड से रब कर रहे हैं भाई. देखिए नेक्स्ट आप आगे बढ़ोगे, क्यों, क्योंकि आप समझदार हो इस वजह से आप आगे बढ़ोगे. अगर आप समझदार नहीं होते तो आगे नहीं बढ़ पाते. तो देखिए भाई dv equals to b इंटीग्रेशन ऑफ दिस b, y को कांस्टेंट मान के भाई y को कांस्टेंट माना है अपने, तो 6y एज भार, x का इंटीग्रेशन होगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस थ्री फ्रॉम x, तो x वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, तो यहां से कौन सी टर्म बचेगी आपकी, थ्री वाई स्क्वायर डी वाई प्लस का c. तो यहां से जो टर्म आएगी आपके पास कितनी आएगी भाई, थ्री एक्स स्क्वायर बाई, और यहां से आ जाएगी वाई क्यू बटे थ्री, तो माइनस का वाई क्यू, वी इक्वल टू वाई क्यू अपॉन थ्री, दैट्स मीन इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस का वाई क्यू, दैट्स मीन इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस का वाई क्यू अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, तो माइनस का वाई क्यू, और एज ए कॉन्स्टेंट आप जो यूज कर रहे हो वो है आपका सी. इक्वेशन नंबर सेवन, यू आर गिवन एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, नाउ you find the value of fz where fz equals to u plus iota v where u and v is a function of x and y. So now which is harmonic conjugate of u. Now fz equals to u plus iota v. वैल्यू ऑफ u आपको क्या नजर आ रही है भाई, क्या वैल्यू ऑफ u, क्वेश्चन मिटा दिया भाई, वैल्यू ऑफ u कितनी थी, वैल्यू ऑफ u थी आपकी x क्यू माइनस थ्री एक्स बाई स्क्वायर, x क्यू माइनस थ्री एक्स बाई स्क्वायर प्लस आयोटा वी, थ्री एक्स स्क्वायर बाई माइनस का वाई क्यू और प्लस का कांस्टेंट सी, प्लस का कांस्टेंट सी, प्लस का कांस्टेंट सी. तो यहां से आपका हो जाएगा प्लस का कांस्टेंट सी. क्या इस इक्वेशन को आप और सॉल्व कर पाओगे, क्या इस इक्वेशन को आप और सॉल्व कर सकते हो भाई. देखिए एक इसका होल स्क्वायर है, देखना होल क्यू, सॉरी क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर थ्री का होल क्यू है क्या, ए क्यू, ए क्यू थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर बी, तो थ्री एक्स स्क्वायर बी आयोटा वाई, वी क्यू, बी क्यू यानी वाई क्यू और आयोटा की पावर थ्री यानी आयोटा स्क्वायर माइनस वन, और एक आयोटा बचेगा माइनस का आयोटा,
फिर आएगा आपका 3ab² तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो एक इसका होल क्यू है एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर क्यू और ए प्लस का सी। बट आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि एक्स प्लस आयोटा वाई जो है आपका किसके इक्वल होता है भाई, सी के इक्वल होता है। बट एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू सी, तो इस केस में क्या हुआ भाई, फ्री फ्रॉम एक्स क्यू, देखिए भाई मैंने अभी आपको जब क्लास स्टार्ट की तो क्लास स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बताया आपने बीएससी सेकंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्ट के मैंने दो मेथड कराए थे वहां पर, एक शॉर्ट मेथड जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, एक लॉन्ग मेथड। तो आपने क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से भी किए थे, मैंने शॉर्ट मेथड भी बताया था। तो शॉर्ट मेथड ये होता है कि या लॉन्ग मेथड से भी जब आप करते हो ना, तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक्स वाली टर्म कैंसिल हो जाती है वहां से, जब एक्स वाली टर्म जब आपकी वहां से कैंसिल हो जाएंगी तो केवल कौन सी टर्म बचेंगी, वाई वाली टर्म बचती है। तो एक्स वाली टर्म डेफिनेटली कैंसिल हो जाती है वहां से, और एक्स वाली टर्म प्रत्येक टर्म कैंसिल हो जाती है, तो इस कारण हम इससे सॉल्व में करने के कारण हम क्या कह देते हैं यहाँ पर, फ्री फ्रॉम एक्स, एक्स से मुक्त कर देते हैं, और एक्स से मुक्त करने के बाद आसानी से हम इसका क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए एफजेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर 3, एक्स प्लस आयोटा वाई आपका किसके इक्वल होता है भाई, जेड के, जेड क्यू प्लस का सी, एफजेड इक्वल टू जेड क्यू प्लस सी, एफजेड इक्वल टू जेड क्यू प्लस सी विच इज द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, which is the required, which is the required analytic function, 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 जो कि आपका अवेस्ट जो कि आपका अवेस्ट विश्लेषिक फलन है, एनालिटिक मीन्स विश्लेषिक, देखना ही कनेक्ट नहीं हो पाएगी बच्ची, 9:36 पे मैसेजेस का कनेक्ट नहीं हो पाएगी इधर वाली, ओके पता नहीं मुझे। देखो भाई समय से होती है आपकी क्लास तो डेली 9 से 10, तो आप 9 बजे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए कीजिए भाई, 9 में 1 मिनट ऊपर या नीचे, ठीक है भाई, डेली आप कनेक्ट डेली कनेक्ट हो जाया कीजिए भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी आपकी होगी कल, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको हार्मोनिक कंजुगेट करा दिया, हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिल्स टॉमसन मेथड कराएंगे, मिलने टॉमसन मेथड, मिलने टॉमसन मेथड हम कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, यानी कि टुमारो, और कल मिलते हैं। लेकिन हमारी क्लास का समय वही रहेगा, उसी समय स्टार्ट होगी, तो आप समय से आ जाइए। धन्यवाद।